legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. मुलाकात करता हूँ फिर से एक बार भैया से। भैया बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया, आप बताएं सर। मैं बहुत अच्छा हूँ और हमारे व्यूवर्स भी बहुत अच्छे हैं और इस बार वो जानना चाहते हैं कि भैया ये वाली प्रॉपर्टी जो आप दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ ही करते हैं, इतनी शानदार प्रॉपर्टी, ये आपकी अपनी है? जी अपनी। बहुत बढ़िया, बताएं कुछ इस प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी जो है वो उत्तर नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में है जी। ये अप्रॉक्सिमेटली मेट्रो स्टेशन से बात करें तो 300-400 मीटर के आसपास रहेगा ये प्रॉपर्टी। ओके। और ये 200 बीएच के आसपास ये प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक 3 बीएचके और 2 बीएचके फ्रंट पे बना हुआ है जी, और एक 2 बीएचके बैक साइड पे बना हुआ है जी, विद लिफ्ट विद कार पार्किंग। बहुत ही स्पेशियस प्रॉपर्टी है ये, जिसमें से हम लोग जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खड़े हैं, 3 बीएचके की प्रॉपर्टी है अप्रॉक्सिमेटली 100 गज के आसपास की, ड्रॉइंग रूम का ह्यूज स्पेस है इसका, सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो भैया इसका ड्रॉइंग रूम भी नजारे पर लगी जी। आप इधर की तरफ जाइए, आप इधर की तरफ जाए, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से किचन आपको मिल जाता है, साथ में 2 कमरे और कितना स्पेशियस यहाँ पर मिला है, किचन भी काफी बड़ा है यहाँ पर आपको मिल जाता है। सुबह भी काम करते हैं, पूरा पूरा फ्लैट देखना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इस फ्लैट के अंदर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली, जैसे कि लाइक आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा शैंडेलियर इस तरह से लगाकर दे रहे हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपको तकरीबन 70-80% लोन मिल जाएगा, 85% लोन मिल जाएगा, सैलरी परसेंट हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी आप करते हो, हर एक चीज की सुविधा यहाँ पर होने वाली है। और ये कहते हैं अगर आपके मान लो इन दी लास्ट कागज पूरे नहीं होते, कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, तो जो कुछ भी आप बुकिंग अमाउंट यहाँ पर देके जाते हैं तो ये कह रहे हैं भैया हम आपका पूरा का पूरा बुकिंग अमाउंट वापस करेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि भैया पैसा कट गया या कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई, यहाँ पर आपको पूरा पैसा वापस किया जाएगा। अब एक काम करता हूँ, लेके चलता हूँ भैया के पास फिर से। भैया अब दिखाते हो भैया, जैसे कि देख पा रहे हो कितना बड़ा देख पा रहे हैं इस वाले को, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, एक काम करते हैं यहीं से शुरुआत करते हैं जी। ये आपका ड्राइंग रूम का स्पेस, जैसे मैंने बात कर ली अप्रॉक्सिमेटली 14x16 के आसपास इसका स्पेस है जी। फॉल सीलिंग दी गई है इसमें, बहुत ही डिजाइनर आपका लेटेस्ट मैंने आपका इसका फॉल सीलिंग दिया गया है, फैंस हो गए, झूमर हो गया, स्प्लिट एसी की फिटिंग दी गई है, 5x5 सिस्टम, एल शेप में इसका डिजाइनर वॉल दिया गया है, एक एलईडी पैनल दिया गया है, ह्यूज एलईडी पैनल दिया गया है, लाइट सिस्टम्स एंड एवरीथिंग इज देयर, मॉड्यूलर स्विचेस दिए गए हैं ठीक है, एमसीबी बॉक्स इसका आउटसाइड में दिया गया है, जो भी इसका इंटीरियर का वायरिंग रहेगा सबका एमसीबी अलग रहेगा। तो इसमें एक बार पहले का लेआउट समझा लेता हूँ, 2 बेडरूम फ्रंट में रहेंगे ठीक है, ओके, 2 बेडरूम फ्रंट में और 1 बेडरूम यहाँ पर, 3 बेडरूम, एक मॉड्यूलर किचन ड्राइंग रूम के साथ में, आप मॉड्यूलर किचन देखें जी, और एक आपका कॉमन वॉशरूम यहाँ ड्राइंग रूम के साथ में और एक अटैच, इसके ऊपर आई थिंक वॉलपेपर लगाया जाएगा अभी सामने वाली वॉल पे, नहीं ये वॉलपेपर सिर्फ एक ही वॉलपेपर देगा, इस पे लगाना चाहे तो इस पे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, कस्टमाइज वॉलपेपर। इसमें ह्यूज एलमीरा दी गई है स्लाइडर डोर के साथ, आप देख रहे बड़ी एलमीरा दी गई है, अंदर और बाहर दोनों तरफ माइका दी गई है ठीक है, एक ह्यूज एलमीरा हो गई, ड्रेसिंग टेबल हो गया, बात कर सकते हैं ये क्या ड्रेसिंग टेबल एंड बिग एलमीरा, ये हो गया आपका फर्स्ट बेडरूम।
अब हम लोग चलते हैं अपने दो डिफरेंट बेडरूम्स की तरफ। उससे पहले एक बार कॉमन वॉशरूम दिखा देते हैं। कॉमन वॉशरूम देखें एक बार, रूफ लेवल का टाइल्स, वॉशरूम में भी फॉल सीलिंग दी गई है, ठीक है। एक्सेसरीज दी गई है, ब्रांडेड एक्सेसरीज दी गई है, वॉश बेसिन हो गया आपका, सीट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपना किचन की तरफ। जो सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, वो बढ़िया चीज लगती है, वो लगती है लेडीज को, किचन। किचन देखिए, किचन बहुत ही स्पेशियस किचन दिया गया है। इसमें छह लेडीज आराम से अप्रोक्सीमेटली यहाँ खड़े होकर काम कर सकते हैं, फिर भी स्पेस बचेगा। ये है आपका पेंट्री एरिया। पेंट्री देखें, ह्यूज पेंट्री एरिया और सिंपल सोबर नहीं, बहुत ही अच्छा पेंट्री दिया गया। और उसके बाद जो भी स्पेस हमारे यहाँ पे किचन में दिया गया है वो फुल्ली फिनिश आपका, विद चिमनी हमारा दिया गया है। चिमनी देख सकते हैं आप इसको, और व्हाइट मार्बल में आप इसका, हमने इसका स्लैब दिया गया है, और वेंटिलेशन के पीछे शाफ्ट भी है। डिजाइनर आपका लाइटिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। ये देखें आप दो बेडरूम जो यहाँ दिए हैं, एक फ्रंट में यहाँ पर, एक फ्रंट में यहाँ पर। सेकेंड बेडरूम ये है जिसमें, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10x11 का है। फॉल सीलिंग, फैंस, लाइट्स, डिजाइनर वॉल, एलईडी पैनल इसमें भी दिया गया है, विंडो की फिटिंग, वायरिंग, एवरीथिंग दिया है। ये सब आपको इस फ्लोर में आपको मिलता है। इसमें है अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, और ये आप देख सकते हैं रूफ लेवल पर टाइल्स, एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग इज देयर। बहुत बढ़िया, ठीक है। सीट्स है, वॉश बेसिन, टैप, सब कुछ। एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, डोर और इन जो विंडो पैनल दिया हुआ है, टीवी पैनल सेम दिया हुआ है, सेम। तो उसका जो हमने टोनिंग करी है वो सेम आपका, ये जो डोर्स का है और पैनल का सेम टोन में दिया गया है, सो दैट कि उसको एक सिमिलर हमारा वो लुक उसमें मिले पूरे फ्लोर के अंदर। ये बहुत बढ़िया जी। आई बी ये फ्रंट में एक और हमारा बेडरूम है, वो है थर्ड बेडरूम। इसमें भी आप पैनल्स में देखें, गोल्ड आपका हमारे लाइनिंग के साथ में, हमारा सेम डोर और आपका पैनल का सेम सिमिलर मैच हो रहा है, और इसमें आपका रेस्टोर का हमने वॉल कर दिया हुआ। ये सेम इसमें भी जो ये थर्ड बेडरूम है, सेम आपका फॉल सीलिंग, डिजाइनर वॉल, और इसमें भी ह्यूज एलमीरा दी हुई है, फैन दिया गया है, लाइट सिस्टम है, और ह्यूज एलमीरा दी गई है, डबल एलमीरा, एक एलमीरा यहाँ और एक एलमीरा है। सेम आपका एलईडी पैनल, विंडो की फिटिंग, वायरिंग दी गई है, और ये है आपका बैल्कनी एक्सेस बाहर के लिए। बाहर की बालकनी देखें और बाहर की गली एक बार देखें, बहुत चौड़ी रोड है, काफी चौड़ी भी बालकनी भी मिल जाती है साथ में। उससे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोड में, आपको दिखा दूं काफी बड़ी चौड़ी गली यहाँ पर आपको मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जी। तो ये है हमारा 3BHK फ्रंट साइड में, इसी के साथ में हमारा एक 2BHK भी है और एक बैक साइड में 2BHK। प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल है इस ह्यूज साइज के अकॉर्डिंग, जो मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। साइज की और अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज में ये आपका ह्यूज 100 square yards का फ्लैट मिल जाता है, और 2BHK की बात करें तो 30 लाख रुपीज में 2BHK फ्रंट साइड, और बैक साइड का 28-27 लाख रुपीज में आपको 2BHK का फ्लैट मिलता है, रीजनेबल प्राइसेस में, विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग के। आपको फ्लैट मेट्रो स्टेशन के पास इससे कम दामों में नहीं मिलते, इस क्वालिटी और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ। बहुत बढ़िया। इन द लास्ट अगर कुछ कहना चाहते हो, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, लोन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हो? आपने पहले से ही बताया कि अगर कोई भी किसी भी कारणवश इस प्रॉपर्टी पर लोन आपका नहीं हो पाता, तो आपके जितने भी पैसे आपने हमें दिए वो सारे के सारे रिफंडेबल है, सभी पैसा आपका रिफंडेबल है। और दूसरा, अगर आपको कोई और भी प्रॉपर्टी 1BHK, 2BHK या 4BHK देखने हैं, तो उसके लिए भी आप नीचे नंबर दिए गए जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, और अपना अलग प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे आकर देख सकते हैं। और अगर बिना आए आपने देखने हैं, तो हमारा YouTube चैनल है AK Homes के नाम से, आप उस पर भी जाकर के अपना वीडियोस को देख सकते हैं, और YouTube चैनल में वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है, आप उसको देखें, उसको आपने जरूरत का जो फ्लैट है उसे पसंद करें और उसे हमारे से लें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम।